हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं, अगर आपको अपने फ़ोन के अंदर अपनी कॉल रिकॉर्ड करनी है, ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, इसी वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो में बहुत सिंपल स्टेप रहने वाले हैं जिन्हें फॉलो करके अपने फ़ोन के अंदर आप कॉल रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपको कॉल रिकॉर्ड करने के लिए सबसे पहले आपको अपना डायलर ओपन कर लेना है। जैसे अपना डायलर ओपन कर लेते हैं, डायलर ओपन करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाता है। राइट साइड में थ्री डॉट का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर जाएंगे, सेटिंग्स में आ जाएंगे। आप यहाँ से सेटिंग्स में आ जाएंगे, सेटिंग में आने के बाद यहाँ आपको ऑप्शन नंबर आता है कॉल रिकॉर्डिंग। कॉल रिकॉर्डिंग पर आपको क्लिक कर लेना है। कॉल रिकॉर्डिंग पर क्लिक करने के बाद नंबर नॉट इन योर कॉन्टैक्ट, इसे आपको इनेबल कर लेना है, ऑलवेज रिकॉर्ड कर देना है। इसके बाद आपकी वो कॉल रिकॉर्ड होना शुरू हो जाती है जो नंबर आपके फ़ोन में सेव नहीं है, जिन्हें हम बोलते हैं अननोन नंबर। और आपको जो नंबर आपके फ़ोन में सेव है तो उसकी कॉल रिकॉर्ड करने के लिए सिलेक्टेड नंबर पर जाना है, इस पर ऑन कर देना है, ऑलवेज रिकॉर्ड करेंगे। और चूज़ ए कॉन्टैक्ट पर जाके आप उस कॉन्टैक्ट को सेलेक्ट कर लेंगे जिसकी आप कॉल रिकॉर्ड करना चाहते हैं। उस कॉन्टैक्ट को आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे जिसकी भी आप कॉल रिकॉर्ड करना चाहते हैं, और एक बार में आपका एक ही कॉन्टैक्ट सेलेक्ट होगा। तो इस प्रकार से अपने फ़ोन के अंदर जो नंबर आपके फ़ोन में सेव है उनकी और जो अननोन नंबर उनकी कॉल भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर आपको इसे ऑफ़ करना हो तो यहाँ से आप इन्हें ऑफ़ भी कर सकते हैं। इस प्रकार से जाएंगे और इसे आप यहाँ से ऑफ़ कर देते हैं। तो इस प्रकार से अपने फ़ोन के अंदर आप कॉल रिकॉर्डिंग को अनेबल कर सकते हैं और उसे डिसेबल भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।